बाबू काम हो गया। आज से राहुल और रानी का ख्याल रखना, ख्याल रखना। पापा ऊपर आओ पापा।
Come on, boy, promise me. Promise me. I promise, Papa. लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? पापा ऊपर आइए. पापा. मैं रखूंगा तुम लोगों का ख्याल. मैं रखूंगा जैसे हर दम तुम्हारी मम्मी रखती आई है. पापा. राहुल रानी, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने बड़े भाई का कहना मानोगे. मानोगे ना? पापा हाथ दो. नहीं पापा. पापा नहीं. पापा हाथ दो. पापा. ओपन करो, ओपन करो. माफ. ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ. जादू जादू, ऐना का कुछ पता चला? कुछ नहीं. एक बुरी खबर है. सिद्धांत राय एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनके घर पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है. और क्या बताऊं यार, बच्चों की बहुत बुरी हालत है. जादू कुछ भी कर, जल्दी से मेरी बेल करा. ठीक है. कौन है सर? सुना है यहां सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए. हिस्सा? भाई तू कौन है? जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके. मामा जी. मामा जी? क्या मतलब? मतलब रजीत राय. उर्फ राजू. ये क्या बकवास है? हाँ, तुम राजू नहीं हो सकते. राजू को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं. आप राजू को बुरी तरह भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब मैं घर छोड़कर गया था आप यहां नहीं शिमला में थे. हमने उसकी तस्वीर देखी है. गया था 12 बरस का, लौटा हूं 30 बरस का.
वो तस्वीर खुद भी मुझे नहीं पहचान सकी। यू ऑनर, ये कोई इम्पोस्टर, कोई बैरूपिया है? मेरे मोहतरम दोस्त सूरत से पढ़े लिखे और कोर्ट से वकील मालूम होते हैं, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि डिफेमेशन यानी बेइज्जती और मानहानि करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तुम कोई वकील हो क्या? होते होते रह गया, लेकिन कानून याद दिलाना जानता हूँ। योर ऑनर, इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा, आप प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मेरे ख्याल से हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ये साहब साबित कर सकते हैं कि यही सिद्धांत राय के भाई हैं, तो फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ही राजू हो? झूठ को सच बनाने के लिए सबूत की जरूरत होती है, सच तो खुद एक सबूत है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजू हो। मैं तो नहीं कर सकता, आप साबित कीजिए कि मैं राजू नहीं हूं। मामा जी, सर, आई उधर कमिंग, अभी मिल्क का दूध और वाटर का पानी हुआ जाता है। इन्हें आस्क कीजिए सर, इन्हें कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी। हाँ, इसे ये पूछिए कि वो कौन सी सब्जी थी जो इसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं, बीबीसी, तुम ये सवाल पूछ रहे हो, फिर भी बता देता हूं, मुझे बैगन पसंद नहीं है, आलू पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है। इसका मतलब यह कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है सिवाय एक के। कौन सी? गोल गोल, छोटे छोटे, हरे मोतियों जैसे दाने, मटर। करेक्ट सर, बिल्कुल राइट बोल रहा है ये। अगर तुम राजू हो तो तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गिरे थे और काफी चोट आई थी। कहां से गिरे थे? साइकिल से, घोड़े से, पेड़ से या फिर सीढ़ियों से? ए, हट! ना पेड़ से, ना घोड़े से, ना सीढ़ियों से, मैं बीबीसी के कंधे पे खड़ा होकर सर्कस दिखा रहा था, वहां से गिरा था। करेक्ट, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है सर। चोट लगी थी तो निशान भी जरूर होगा, दिखाओ दिखाओ। अरे देख क्या रहे हो, दिखाओ दिखाओ। क्या जमाना आ गया है कि सच को सबके सामने नंगा करना पड़ रहा है। ओके, अभी दिखा देते हैं। हाँ चल भाई, दिखा दे राजू। दिखाओ, दिखाओ। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। आप जरा अंदर जाइए। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना। क्या 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 क्या, चल मुंह दिखा। अरे बच्चों, उधर मुंह कर लो बेटे, ये मैजिकल शो नहीं है, ये फिजिकल शो है बेटे। यही है, यही है, मिल गया, यही है, यही है। सॉरी बच्चों, मुझे आने में देर हो गई। देखने और सुनने में लग रहा है कि तुम ही राजू हो, लेकिन कोर्ट में साबित करना बहुत जरूरी है। हियरिंग इसी महीने की 10 तारीख को होगी, मैं चलता हूं। राजू तू आ गया, अब सब ऑल राइट हो जाएगा। तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे लिए ये 10 दिन काफी हैं। Excuse me.